महेंद्र अलबेला। मैं तमाम प्रतिभागियों से गुजारिश करना चाहूंगा, पहली बार तो घबराना नहीं है, इंतजार कीजिए। वो 12 नाम कौन से हैं जो चयनित होने वाले हैं, काफी माता बहनें हैं जो काफी देर से यहाँ पर बैठी है, कई पिताजन भी हैं जो भी बैठे हैं, संतजन तो बैठे ही हैं। देखिए इस जीवन में संतों के साथ में मां बाप का कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। और मां कभी नाराज हो जाए सिद्धों से मना लेना चाहिए, क्योंकि मां के दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा। अरे मां के दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, अरे तू है नाराज मां तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा, तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। और नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने घिरा के हंसाया हमको। अरे दुख ना देना उन हस्तियों को, भगवान ने मां बाप बनाया जिनको, भगवान ने मां बाप बनाया जिनको। तो माता पिता को याद कीजिए, उनका आशीर्वाद याद कीजिए। और 12 प्रतिभागियों वो कौन से होंगे, इंतजार करते हैं, तब तक अगली आवाज। एला रे एला मेला चलाएगा वैसा रेला महेंद्र अलबेला। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा महेंद्र अलबेला। हेलो, मैं चाहता हूं हमारे आज के जो उद्घोषक हैं भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और जब से शुरू हुए हैं एनर्जी के साथ अभी तक वैसी की वैसी एनर्जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपकी कोई फरमाइश है तो वो बताइए, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। एक भजन मैं अपनी तरफ से बाबा के चरणों में पेश करने जा रहा हूं। एक भक्त बाबा से देखिए क्या विनती करता है, क्या कहता है। नैनों के पाठ ले जा, नैनों के पाठ ले जा, नैनों की नैया पतवार तू ही मेरी, तू ही खिवई जाना है पार प्रभु, जाना है जाना है पार प्रभु, तू ही भव है पहुंचे अब ये ना झुकसी नहीं आ, नैनों के पास। तो देखिए भक्त बाबा से क्या कह रहा है, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने था, मेरी जिंदगी बदल दी बाबा, मेरी जिंदगी बदल दी बाबा, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। अब जिन जिन का मेरे राम साहब पीर ने हाथ पकड़ा है, जिनके ऊपर आशीर्वाद रखा है, वो जिनका मन है वो इस भजन में मीठी मीठी तालियां बजाए। क्या कह रहा है, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा जल्दी बाबा, मेरी जिंदगी
जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा और बाबा ने कब हाथ थामा, बड़ी सुंदर बात लिखी है। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको जिसको अपना तुमने मान लिया। मेरी जिंदगी बदल दी क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा
सो मच आपकी तालियों के लिए। क्या बात है महेंद्र भाई, आपकी बारीकी के कातिल हैं आप, बहुत वाकई में बहुत प्यार से उठाते, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए ये वो हीरा है, हालांकि ब्यावर की धरा पर ये पहले भी अपना कला का जादू बिखेर चुके हैं। इस हीरे के लिए क्या कहूं, इतना कह दूं कि कागजी फूलों में खुशबू नहीं होती, कागजी फूलों में खुशबू नहीं होती, इत्र उन पर भी छिड़क दो तो महक जाते हैं, और कीमती हीरा हो ना तो रातों में मिलो, दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाए। क्या बात है, मैं दो लाइन एक बार जोरदार तारी इस महेंद्र अलवेला जैसी शख्सियत के लिए। दो लाइन मैं इनके लिए कह रहा हूँ कि ये आपकी इनायत है कि आपका रुख इधर है, जरा वाह बोल दीजिए एक बार सर के लिए, मेरे लिए नहीं, कि ये आपकी इनायत है कि आपका रुख इधर है, वरना दीदार के काबिल कहाँ हमारी नजर है। आसमान में इतने सितारे हैं पर आप जैसा सितारा ना मिला, अरे फूल तो देखे हैं अनेकों बगिया में पर आप जैसा मुस्कुराता ना मिला। इस मुस्कान पर वारी जावा, चलिए अगली आवाज पुनः महेंद्र अलवेला की। आइए एक राजस्थानी भजन मैं आपको सुनाता हूं बाबा का, सुना दूं राजस्थानी, कितने लोग सुनने के मूड में, जरा तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। कहते हैं कि सोनारी धरती जठे उठे चांदी रो आसमान, और रंग रंगी लो रस भरे मारो प्यारो राजस्थान, राजस्थान के लिए तालियां बजा दीजिए। सोनेरी धरती जठे उठे चांदी भरो यो मारो राजस्थान जी। दो लाइन हमारे सभी अतिथियों के लिए पेश करने जा रहा हूं। केसरिया बालम आवोनी पधरोनी मारे काई थाने प्यारो लागे परदे काई थाने प्यारो लागे परदे हो पिया प्यारी रा मारे देश। क्या बात से काम नहीं चलेगा, तालियां बजाइए एक बार जोरदार। उड़तो उड़तो जावे मारिया रूणी जामे तू, उड़तो उड़तो जावे मारिया अरे रूणी जामे तू, रूणी जा रा राम दे मोर मारा मीठो बोले तू, मुरुड़ा मीठो बोले तू, ओ मारे मनड़े रो मालिक तू, मारे दिलड़े रो मालिक तू, हे हारे मोरिया हो हारे मोरिया। अब मैं जितने भक्त बाबा के जो सच्चे बैठे हैं, जो यात्री जा रहे हैं, जो बाबा को मनाने के लिए आए हैं, जिनके भाव हैं मन हैं, एक बार हमारे लिए नहीं मेरे रामसा पीर के लिए खड़े होकर थोड़ा सा नाचकर हाजिरी लगाएंगे, दोनों हाथ खोलकर। हो उड़तो उड़तो जावे मारिया रूणी जामे तू, उड़तो उड़तो जावे मारिया रूणी जामे तू, रूणी जरा राम देव रे मीठा बोले तू, मुरुड़ा मीठा बोले तू, हमार मनड़े रो मालिक तू, हमारे दिलड़े रो मालिक तू। पवन भाई, सबसे ज्यादा कीर्तन में महिलाएं डांस करती हैं, लेकिन आज हमारी महिलाएं बड़ी सुस्त बैठी हैं, मैं चाहता हूं एक बार जरा खड़े होकर हाजिरी लगाएं। हमारे मनड़े रो मालिक तू, हमारे दिलड़े रो मालिक तू, हे हारे मोरिया। महेंद्र भैया इनको भी नचा लो, इनकी धड़कने बड़ी हुई है। मोरिया अरे मोरिया मोरिया,
महाराज श्री बैठे हैं यहाँ पर रामगढ़ से, तो दो लाइन महाराज जी के लिए है। अरे उड़ तो जावे मोरिया रामगढ़ में तू, उड़ तो जावे मोरिया रामगढ़ में तू, रामगढ़ रा बालाजी रा मीठो बोले तू, मोरुड़ा मीठो बोले तू, मोर मारा मीठो बोले तू, हमारे मनड़े रो मालिक तू, हमारे दिलड़े रो मालिक तू, हे हारे मोरिया, हो हारे मोरिया, मोरिया लाइन है, मैं हमारे राजू भाई साहब संगीत के बड़े प्रेमी हैं उनके लिए है। मारा नेणारा तारा पीवू प्यारा मारे घरा पधारो हो था कि नार नवेली सज बैठी एक बार निहारो जी हो झिरमिर बर से में हो झिरमिर बर से मेरे सावरिया नंदलाला मारा कानूड़ा मारा झिर मेरे बर से मेरे सावरिया मारा झिर मेरे बर से वे हो झिर मेरे बर से मे हो झिर मेरे बर से मेरे सावरिया मारा नंदलाला मारा कानूड़ा मारा
अंधेरी बिजली चमके रण अंधेरी बिजली चमके हो माने पिया बिन आवे नहीं नींद रे सावरिया मारा नंदलाला मारा कानूड़ा मारा फिर मेरे बर विशाल तृतीय भजन गायन प्रतियोगिता के प्रथम चरण का परिणाम आ चुका है। कुल 19 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का मंचन किया, उसमें से केवल 12 प्रतिभागियों का ही चयन किया जाना है। 7 प्रतिभागी चयनित नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें हारना नहीं है, हौसला रखना है, क्योंकि जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा। आज वक्त है खराब तो क्या हुआ, कल बदल कर दिखाऊंगा। ऐसी हौसला अफजाई के साथ आगे बढ़ते रहिएगा और परिणाम आ चुका है। और उसी परिणाम के जो नाम हैं वो आपके बीच में मैं एक एक कर लेता हूं, जिनका चयन हुआ है वैसे आप लोग सभी जानते होंगे, मुझे भी हैरानी तो है। वो 7 नाम उड़ तो गए हैं, लेकिन वो 12 नाम जिनको देखकर मैं बड़ा खुश हूं, जिन्हें सुनकर भी बड़ा खुश हुआ था, तो रोकिए अपनी धड़कनों को और खुशी से दिल से झूमकर पहले जो चयनित हुए हैं उनमें पहला नाम है प्रमोद सोनी। एक बार जोरदार तालियां प्रमोद सोनी के लिए। दूसरी पायदान पर ये नंबर के आधार पर नहीं है, जिनका चयन हुआ है उस आधार पर है। नंबर नहीं सोचिएगा किसके ज्यादा है किसके कम, ये नहीं बताया जा सकता आपको अभी। करण सोलंकी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो तीसरा नाम जिसने प्रथम चरण में अपना स्थान बेहतरीन प्रस्तुति देकर द्वितीय चरण में अपना स्थान हासिल कर लिया है, वो नाम है अभिमन्यु जांगिड़। चौथा नाम है हिमांशु। पांचवा नाम है राहुल भाट। शिखा रानी, आपका भी चयन हो गया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और बधाई के पात्र है मिस्टर लकी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नाम है अर्जुन, आप भी चयनित हो चुके हैं। मिस्टर रवि, आपका भी चयन हो चुका है। मिस्टर चेतन, आपका भी चयन हो चुका है। अब बचे 2, बैठे हैं 9। 9 में से वो 2 जिनको अगले राउंड में जाना है और बाकी को अभी यहीं बैठे रहना है। प्रहलाद के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कि प्रहलाद का भी सिलेक्शन हो चुका है। और अब लास्ट, जिनकी लाज मेरे ख्याल से सियावर राम ने बचाई और उनके भाई का नाम है मिस्टर लक्ष्मण, उनका भी चयन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम 12 प्रतिभागियों के लिए जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रतिभा का मंचन किया। लेकिन निराश ना होना, वो 7 प्रतिभागी, हौसला बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि असल में वही जीवन की चाल समझते हैं जो सफर में धूल को गुलाल समझते हैं। तो अब तृतीय चरण का आगाज करें। निर्णायक गणों से मैं इजाजत चाहूंगा। जी बॉस, म्यूजिशियन गायब हो गया।
लाइक ना पानी चाहिए नहीं पूछियो। साजिंदे आ रहे हैं थोड़ा, उनको विश्राम कर। हमारे बीच में